ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਓਕੇ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਕਰੂ Now here is 5:30 AM going in the morning और मौसम देखो जरा आज का ये बहुत ही अच्छा मौसम हो पड़ा और जल्दी हम सुबह सुबह जल्दी उठे मैं तो एक्चुअली 5 बजे उठा लेकिन ये जो मेरी टीम आई हुई है अभिषेक एंड सागर ये 4 बजे ही उठ गए थे और इतनी जल्दी उठ के ये मेरे घर आ भी गए और जबकि मैं अभी उठा भी नहीं था लेकिन खैर हम फटाफट तैयार हुए और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं उसका थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कहा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं अभी सो लेट्स नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड वेयर वी आर गोइंग और थोड़ा सा भी रास्ता जरा दूर का है लगभग अभी लग जाएगा आधा घंटे के आसपास और बट वी आर ट्राइंग कि हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच सके एंड हियर वी गो एंड हेयर नाउ फाइनली वी रीच टू द नियर ऑफ द्वाबा कॉलेज कपूरथला जलंधर का रास्ता लगभग 20-22 किलोमीटर के आसपास था और बस हम जस्ट हम यहाँ पे पहुँच ही गए हैं और वो कहते हैं ना बल्दी में आग का डालना बल्दी में आग क्या जलती में क्या चिंगारी में आग फूकना वो वाला काम था कि अब ये फाटक बंद होगी बीच में रेलवे फाटक आ गई और ये ट्रेन अभी यहाँ पे क्रॉस कर रही है और इसकी वजह से हम अभी और लेट हो गए हैं हमें एक्चुअली 6:15 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचना था लेकिन 6:30 से ऊपर हो गए हैं एंड वी आर जस्ट नियर 1/2 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट द्वाबा कॉलेज जैसे अभी हमने एंटर करना हम यहाँ पे बाहर पहुँच चुके हैं एक्चुअली हमारे पास अभी गेट पास नहीं है तो हमारा मेरा जो दोस्त है जो मेरा कंपनी मेट है वो अभी बाहर आ रहा है गेट पास तो है नहीं अब वही हमें अंदर एंट्री देगा तो हम उसकी वेट कर रहे हैं अभी बाहर यहीं पर इसी बीच मैं आपको गुड मॉर्निंग तो करनी भूल ही गया अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इज अंकुश कंबोज एंड वॉचिंग माई चैनल एंकी ब्रिज और जस्ट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अंदर एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम मैंने पहले ही बोला था कि हम बहुत लेट हो चुके हैं एंड गुस्सा हो रहा है ब्रो गुस्सा हो रहा है एंड हियर फाइनली वी रीच टू द पॉइंट एंड हियर इज द टीम ऑफ भांगड़ा टीम नाम क्या भांगड़ा टीम का द्वाबा भांगड़ा टीम तो द्वाबा कॉलेज के ही ये सारे मेंबर्स हैं एंड दे आर कंडक्टिंग दिस ऑल द भांगड़ा कलेक्शंस और यहाँ पे वेट देखो जरा दिस वन इज द होल टीम हियर एंड दे आर जस्ट नाउ स्टार्टिंग कर रहे हो अभी ओके दे आर नाउ जस्ट स्टार्टिंग द टीम और ये है सारी बच्चा टीम यहाँ पर This one was all. Naresh ji or? Terminal sir. Ji. Amar Bhaji. Okay. Desi crew. Desi crew. Bhangra crew Dubai. मैं support कर रहा Doaba college. बस वही supporting है तो आप member ही हो गए. Bhangra crew in support है तो Doaba college Bhangra team. Okay. ये star ji है. Toll. Naresh star Algoja वादक. अलगोजा वादक ये वो जो बीन वगैरह साइप करते हैं ठीक है ओके ऑल डन All the Bhangra team is enjoying so much here and so much enthusiasm there. और देख लो ये सब खाली पेट आते हैं और सुबह आते हैं इतना भंगड़े की प्रैक्टिस करते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और सभी पूरे शौक से लगे हुए हैं यहाँ पर एंड दे आर एंजॉइंग टू मच हेयर इधर भी है स्टूडेंट्स और उधर भी स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर द बोथ ग्राउंड इज टोटली फिल्ड अप लगभग 250 से ऊपर स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर 300 के आसपास होंगे आराम से 250 भी कम अंदाजा लगा रहा हूँ मैं Bye.
here is our Aman Paji from Dubai, who is supporting the Doaba college team. Ko, and here is the person. Hello, sir. Hello. So, how are you? Are you in Dubai or here? First, I am in Sassi Kaal, sir. Sassi Kaal? Yes, I am in Dubai. Haan, ji. Okay. But we are here. Yes. I also taught camp in Bhangra. Okay. Our group's name is Bhangra Crew Dubai. So, Dubai also taught Bhangra? Yes, absolutely. In Dubai also? Yes, in Dubai also. They also taught Bhangra there. Non-Indian also. Our European also. African also. I have a student. But Bhangra is a craze. There is a lot of respect. There is a lot of India outside. Bhangra is everyone who likes. Yes, yes. They say that when you have a toll, हर एक दे पैर अपने तम गाना पहनते हैं मतलब जहाँ भी आप जाओगे ना अगर ढोल बजना शुरू होगा तो वो सबको बहुत पसंद लगता है वो अंग्रेजों के लिए तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो पसंद बहुत करते हैं क्योंकि इसकी जो एक धमक होती है ना वो इतनी अच्छी होती है कि ये डीजे की बास को भी पछाड़ देती है पीछे मैं अपने आप को भंगड़ा कोच नहीं कहूंगा मैं एक भंगड़ा प्रमोटर हूं इंटरनेशनल इंडिया तो बाहर भंगड़ा प्रमोट करीदा जिन्ना के बेसिक मैं भंगड़ा आता आप बच्चों को कराईदा उस तो अलावा जी सीनियर टीम का अस इंडिया तो कोच बुला लीते हैं जरा कैंप लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है या कोई फीस हैगी है नहीं ये एक देखो जी कोई भी चीज़ जो सू फ्री आप सिखाने ना तो वो जरा सीखने वाला बंदा ना वो वैल्यू नहीं जानता फिर एक मामूली जहा अमाउंट होनी बहुत जरूरी है ताकि हाँ तुम 200 रुपये दते हाँ असं उ जाके सीखना ही पैसे भरे आ जो असं इन फ्री रख देंगे वो वैल्यू नहीं पता लगेगी इन्हों तो सिर्फ फीस 200 रुपया कुछ भी नहीं होंगे जी 200 तो कुछ 200 ਦਾ ਕਿੱਥੇ 버ਗਰ ਜਾਣ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣ ਤਾਂ 200 ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਪਲੱਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਬਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਫੀਸ ਲਈਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਜਸਟ ਨਥਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 250-300 ਬੱਚਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਲੜਕੋ ਵੀ ਤਾਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਲੜਕੀ ਵੀ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ये भी बहुत अमाउंट है कि यहाँ पर इतनी लड़कियाँ भी अभी भांगड़ा सीखने और वो भी सुबह सुबह नहीं तो कौन इतनी उठने की जिद करता और वो भी संडे के दिन मैं भाई थानू एक चीज छोटी दस रहा अगे तो तुसी भंगड़ा कहना भंगड़ा हाँ भंगड़ा कहना भांगड़ा वो चीज नहीं आप कहनी आप यही चीज चेंज कर हिंदी नहीं हिंदी च भी उन्होंने भंगड़ा ही को ठीक है इंग्लिश भी भंगड़ा ही है क्योंकि वह अक्सर वर्ड वो ठीक है की कहना भाई भंगड़ा भंगड़ा गर्ल्स का शुरू होने जा रहा है भंगड़ा फिर भांगड़ा बोलो भंगड़ा एंड नाउ हेयर इज़ द गर्ल्स टीम नाउ गेट रेडी अभी जस्ट इनको एडजस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर चुके हैं और नाउ द फाइनल फंक्शन बिगिंस अरे छोटी सी गुड़िया भी लगी हुई है यहाँ पर देखो वो कितना अच्छा डांस कर रही है ये वाली छोटी सी गुड़िया एंड शी इज सो प्रेटी Here's all the enjoying the Bhangra. The girls team are performing really, really well. And here is the Josh. अब ऐसा लग जाए थोड़ा थक से गए हो, लगता है इनको पानी की जरूरत है। पहले बड़ा जोश से कर रहे थे, लेकिन थक गए काफी देर के करने लगता है इनको 5-6 मिनट हो गए हैं Bhangra करते हुए। तेरे को फिर याद आ गया पाजी के बाद Bhangra कर देना। बार-बार Bhangra बोल देता हूँ। Thank you.
यहाँ पर लगभग हाफ एन आवर द सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है एंड स्टिल देर आर मोर स्टेप्स टू गो। और वो अभी जो हमारे दुबई वाले मिस्टर अमन जी हैं वो अभी सिखा रहे हैं सबको अलग अलग तरह के स्टेप्स, और ये स्टेप यूँ चलते रहेंगे। और अब होगा क्या, आने वाले अगले संडे तक ये सब की छटाई करेंगे। छटाई करने का मतलब जो बेस्ट होता बेस्ट होंगे उनकी टीम्स बनाएंगे और इन टीम्स में फिर कंपटीशन होगा यहीं दुआबा कॉलेज के ऑडिटोरियम में। सो वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट संडे टू, और कोशिश करूंगा कि अगले संडे भी आऊँ और ऑडिटोरियम में उसकी मैं शूटिंग जरूर करूँ। जो भी भांगड़ा फिर भांगड़ा जो भी भंगड़ा ये करेंगे और देखते हैं फिर विनर कौन होता है। एंड हियर इज़ द भांगड़ा टीम दैट्स वी आर एंजॉयिंग सो मच हियर एंड माई फ्रेंड इज आल्सो शूटिंग विद माई GoPro कैमरा, हेल्प कर रहा है मेरे भाई, मेरी हेल्प कर रहा है। शूटिंग कर भी रहा है कि वैसे कर रखे रोड कर रहे हैं बड़ी है। And here is with me the Bhangra team and the Doaba team college. Mr. President is Harry Paji or Vice President Gurpreet. Vice Captain. Gurpreet ji. ते ये दोनों अपने थे कैप्टन थे वाइस कैप्टन है तो इन्होंने छोटा एक इंटरव्यू मैं लूँगा हूँ ही, और सॉरी करना पंजाबी हिंदी जो मेरे मुँह से निकल रहा है बोलता जा रहा हूँ बस समझ लेना जैसे भी है। तो हैरी भाजी मतलब कब से सिखा रहे हो आप भंगड़ा? ये थे मैं 2013 तो हूँ तक इतने कैप्टन हैं 2013 ओके। यूथ फेस्टिवल दे विच ही परफॉर्म करते हैं यूथ यूनिवर्सिटी लैवल दे यूनिवर्सिटी लैवल फेस्टिवल होंदा ठीक है अगस्त सितंबर दे विच होंदा ओदे विच आपां परफॉर्मेंस करते हैं ठीक है। अहीं 2 महीने प्रैक्टिस करते हैं अगस्त तो स्टार्ट करते हैं पूरी मेहनत करते हैं ग्राउंड वर्क करते हैं मॉर्निंग कर चुके हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नेशनल लेवल पे गए हैं। ऐसे ही हमारे वो उनका क्या नाम था सर पाजी का दुबई वाले अमनदीप सिंह वो तो चलो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं दुबई में भी करवाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे ख्याल से अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी बोल रहे थे कि उनको भी मैंने सिखाया हुआ है। तो ये अपने आप में मतलब ये है कि उन्होंने इतना नाम कमाया अभी तक इतने सालों से। और ये है गुरप्रीत जी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द भंगड़ा टीम दुआबा कॉलेज। तो सर अपने बारे में कुछ? सर मैं गुरप्रीत सिंह मैं इतों टीम के नाल 2014 तो भंगड़ा पा रहा हूँ तक मैं 2019 मजबूत है जो वेस्टर्न से बिल्कुल अलग है फोक भंगड़ा जिहड़ा असीं करीदा ढोल दी बीट ते। कोर्स कहड़ा करदे तुसीं इत्थे? मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करदा मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म ओके। अरे भाई कहड़े ए मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨੱਚਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਮਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 230 ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ 230 ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪੰਕਜ ਥਾ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਤਾ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਭੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ 200 ਕੇ ਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਓ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 230 230 ਸੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ कम नहीं होंगे ऊपर ही होंगे। टाइम कॉलेज हमारे साथ है हमारे डीन प्रोफेसर अविनाश बाबा जी इंचार्ज अजय सर और जो अभी हरजीत सिंह सर है वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो उनकी निगरानी के हेठ ही लगाया जा रहा है ये कैंप लेकिन मैं कैप्टन हूँ बट मैं अभी भी सीख रहा हूँ मैं सीखता रहूँगा। सीखने की कोई उम्र नहीं है जितना भाई सीखते रहो 100 साल में जितना भाई सीख लो वो भी कम पड़ेगा। आइंस्टाइन थे जितने बड़े साइंटिस्ट थे कुछ भी कह लो बेशक उनका माइंड बहुत शार्प था लेकिन फिर भी वो सीखते सीखते ही मर गए क्योंकि इसका ये इन्फिनिटी है नॉलेज बस जितना भी सीखते रहो। हाँ जी भाई सत श्री अकाल जी मेरा नाम कबीर कुमार आ हैरी जो भंगड़ा टीम का कैप्टन आ बाकी सारी दुआबा कॉलेज की भंगड़ा टीम तो कॉलेज का सारा स्टाफ प्रिंसीपल साहब इन्होंने साडा बहुत साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਮ ਇਸਕੋ ਔਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਟੀਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਸਾ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੰਕਜ ਅਭੀ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਭੀ ਵੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਕੀ ਪੰਕਜ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਤਾ ਵੋ ਹੈ ਪੈਂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਂਕੀ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਯੇ ਪੈਂਕੀ ਯਹਾਂ ਕੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਤੋ ਵੋ ਤੋ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਔਰ ਯੇ ਇਨਕੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਭੰਗੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੀ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਸਟਰ ਜੈਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੈਈ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਂ ਰੇਲੀ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਮਚਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੱਥ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੜੀਆ ਸੂਰਜ ਹਮਾਰੇ ਸੂਰਯ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਦਲੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਸਕਿਟ ਪੁੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਾ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ A few moments later and here is our the crew teachers actually jo ye students ko sikhate hain yahan pe boys ka to chalo alag tha to idhar kuch ladies hain to ye ek chhota sa interview dena chahti hain and here is the aapka name kya gurdeep kaur gurdeep kaur and she's harjinder kaur daljeet kaur daljeet kaur so ye three hain to aap yahan pe daily aa rahe ho sikhane ke liye haan ji फर्स्ट डे से आ रहे हैं तो लगभग अभी वन वीक हो रहा है 23 को फिनाले है तो अब आपने भी टीम डिवाइड करनी है विनर्स के लिए मतलब जो कंपटीशन लेंगे तो और बताइए अपने बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਮੈਂ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਕੈਪਟਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਓਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਗਿੱਧਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਯਹਾਂ ਕਾ ਜੋ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਔਰ ਆਪ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਐਚ ਐਮ ਵੀ ਡੀ ਏ ਵੀ ਅਤੇ ਐਮ ਜੀ ਐਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਚਲੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰਹੋ ਬਸ ਛੋੜੋ ਮਤ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਭੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ 25-26 ਵਲੋਗਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅਭੀ ਵੀ ਜਸਟ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਬਣਾਤਾ ਰਹੂੰਗਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਬਣਾਤਾ ਰਹੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਮ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ
@doabacollege फेसबुक पेज इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पेज पर @doabacollege पे आपको जितने भी अभी तक क्रू मेंबर्स की जितनी भी वीडियोस हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जरूर फॉलो करना और वहाँ पर आप जाकर जितना सीखते हैं सीखते, और सीखने के साथ साथ आप वहाँ पर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट भी है, जैसे आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें ये सिखाया जाए, तो आप वहाँ पर कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, उस कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे आपको। तो प्लीज़ फॉलो @doabacollege जालंधर। ओके जी, थैंक यू, बाय।